dear friends and student. Today I am going to discuss two important questions on the topic list in Python. The topics are what is the difference between append and extends. In the previous video we have covered how we can add and remove some element from the list. सो वहाँ पर हमारे पास में ये दोनों फंक्शंस आए थे अपेंड और एक्सटेंड. एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और एक हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डेल स्टेटमेंट. ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे सामने अराइज हुए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें हम बात डिस्कस कर रहे थे हम लिस्ट के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और कैसे हम रिमूव करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. सी आप सभी को पता है कि यदि हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ में लेते हैं. और लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. इसके कंटेंट में हम कोई भी नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, राइट. और किसी भी इन प्लेस मीन्स मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को हम, राइट. सो इसके लिए हमारे पास में पाइथन के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट वे हैं, उनको हम यूज़ में ले सकते हैं. बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. ये दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं, दोनों ही फंक्शन की जो यदि हम यूजेस को देखें, दोनों क्या करते हैं, बोथ विल एड एलिमेंट एट लास्ट. दोनों फंक्शन क्या करते हैं, एड एलिमेंट एट लास्ट पोजिशन. लास्ट पोजिशन के अंदर कोई भी नया एलिमेंट ऐड करते हैं. बट अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है. सो इसके डिफरेंस के लिए देखिए, सी फर्स्टली हम बात करते हैं अपेंड की. तो अपेंड है क्या चीज, अपेंड बेसिकली है क्या चीज, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है. अपेंड इज द प्री डिफाइंड फंक्शन इन द लिस्ट. एंड क्या रोल है इसका, क्या टास्क है इसका, इज यूज टू एड एन एलिमेंट. एक एलिमेंट को ऐड करता है, एड एन एलिमेंट एट लास्ट पोजिशन इन द लिस्ट. लिस्ट के अंदर लास्ट पोजिशन के ऊपर ये कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड करेगा. सो इसको आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, देखें दोनों के अंदर यदि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है अपेंड को क्या चाहिए, एक एलिमेंट की वैल्यू चाहिए. अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट. एक एलिमेंट हमें चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके पास में एक लिस्ट है जिसके पास में वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, राइट. आपने किया एल डॉट अपेंड. जैसे आपने किया एल डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर सपोज आपने स्पेसिफाई कर दिया 10, तो ये क्या करेगा, अब L के कंटेंट क्या हो जाएंगे, यदि आप प्रिंट करवा रहे हैं L को, तो प्रिंट L यदि आपने करवाया तो L के कंटेंट क्या होंगे, अब 1, 2, 3, 4 और 10. क्या किया इसने, लास्ट पोजीशन के ऊपर इस वैल्यू 10 को ऐड कर दिया. ओके, नाउ यदि मैं बात करता हूँ, मैंने किया L डॉट अपेंड के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया सपोज दैट 10, 20. अपेंड ऑलवेज रिक्वायर ए सिंगल वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट, तो हमने यहाँ पर या क्या प्रोवाइड करवाया, एक लिस्ट को प्रोवाइड करवाया है. अब यदि मैं प्रिंट करवाता हूँ, अब यदि सपोज दैट ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है इस वाले कोड में फिलहाल के लिए, अब यानी कि लिस्ट की वैल्यू ये है, उसके बाद में हमने इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो अब लिस्ट के पास में क्या आएगा. अब देखिए लिस्ट के पास में जो कंटेंट रहेंगे वो क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4. उसके बाद में क्या होगा, एक ये सब लिस्ट ऐड हो जाएगी अपेंड की वजह से. सो देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, व्हेनेवर वी अप्लाई अपेंड फंक्शन ऑन द लिस्ट, देन ये क्या करेगा, एक नया एलिमेंट ऐड करेगा, यानी कि लिस्ट की लेंथ में कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा. यानी कि यदि लिस्ट के पास में लिस्ट की लेंथ है आपके पास में 5 है, तो आपने अपेंड यूज में लिया तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी. जैसे कि आपने यहाँ पर एक लिस्ट को प्रोवाइड किया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स थे, तो वो दोनों एलिमेंट एज ए सिंगल एलिमेंट यहाँ पर लिस्ट के अंदर लास्ट पोजीशन के ऊपर ऐड हो जाएगा. ओके, ये तो हो गई अपेंड की बात. अब बात करते हैं एक्सटेंड की. एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है,
जिस तरह से अपेंड ने एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड किया है, वैसे ही ये भी एलिमेंट को लास्ट पोजीशन के ऊपर ही ऐड करेगा। लेकिन इसको क्या चाहिए इनपुट में? सबसे पहली चीज़, इन दोनों के डिफरेंस की यदि हम बात करें तो एक्सटेंड को क्या चाहिए? एक्सटेंड को चाहिए यहाँ पर एक सिक्वेंस, यहाँ पर एक सिक्वेंशियल डेटा चाहिए। ओके, यानी कि यदि आपने सिंपली किया एल डॉट एक्सटेंड ओनली 10 किया, तो ये क्या करेगा? ये एरर शो कर देगा। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसने तो क्या किया, लास्ट पोजीशन के ऊपर 10 को ऐड कर दिया, एल डॉट एक्सटेंड एरर शो करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए इनपुट में? सिक्वेंशियल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये अब देखिए, यदि मैंने किया एल डॉट एक्सटेंड, उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक लिस्ट को प्रोवाइड किया जिसके पास में वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30। ओके, क्या होगा अब यदि मैं प्रिंट एल को करवा रहा हूँ, मैंने करवाया प्रिंट एल, तो क्या प्रिंट करेगा ये? ये प्रिंट करेगा आपका एल के पास में, सपोज दैट कंटेंट ये है 1, 2, 3, 4 वाले। सो अब एल के पास में क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4 तो पहले का डेटा हो गया, अब 10, 20, 30 यानी कि जो आपने आर्ग्यूमेंट में लिस्ट प्रोवाइड की थी, वो उसका हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ऐड हो जाएगा। यानी कि इसकी लेंथ पहले कितनी थी? 4 थी, अब कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जबकि यदि आपने अपेंड के साथ यूज में लिया होता तो इसकी लेंथ कितनी होती? ओनली 5। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट को एज एन एलिमेंट ऐड कर देता, जबकि इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने आपने यहाँ पर जो सिक्वेंस वैल्यू प्रोवाइड की है उसको एज अ सिंगल एलिमेंट इसने ऐड किया है। यहाँ पर ये देखिए, इसने एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड किया है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 7 हो गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना इसको एक बार के लिए। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। सो मैं जुपाइटर के ऊपर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, किस तरह से इसको देखना है। देखिए, सपोज हमने एक लिस्ट लिया था जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, देन मैंने किया एल डॉट अपेंड। एल डॉट अपेंड के अंदर हमने 10 स्पेसिफाई किया, देन प्रिंट एल करवा दिया। देखिए, बिना किसी प्रॉब्लम के कोड रन हो जाएगा आपका और वैल्यू 10 भी ऐड हो जाएगी लास्ट पोजिशन के ऊपर, जैसा कि हमने अभी देखा था। ओके, देन अब यहाँ पर देखिए, यदि आपने अपेंड के अंदर एक लिस्ट स्पेसिफाई कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर किया 10, 20, अब क्या करेगा ये करेगा आपका एक जो 10 है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एक लिस्ट आ जाएगी जिसके कंटेंट रहेंगे 10, 20। सी सो वेन एवर वी हैव अप्लाइड अपेंड फंक्शन ऑन द लिस्ट, इट विल एड वैल्यू एट द लास्ट पोजिशन एंड इट कैन एड ओनली सिंगल एलिमेंट। सो इसकी लेंथ में +1 ही होगा, कभी भी +2 नहीं हो सकता है, राइट? अब सेम कोड मैं एक्सटेंड के साथ में रन करता हूँ। देखिए, इन प्लेस ऑफ अपेंड आई एम यूजिंग एक्सटेंड, एक्सटेंड यूज में लिया। अब देखिए क्या होगा, 10 और 20 इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह से आपको दिखाई देंगे और इसकी लेंथ में +2 होगा इस बार। क्यों? क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट में जो लिस्ट प्रोवाइड किया है उसके पास में टू एलिमेंट्स हैं। यदि आपने यहाँ पर और एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए तो ये और एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड कर देगा और जितनी आपने आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है उतनी ही लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो आई थिंक अपेंड एंड एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल जरूर एक्सप्लेन कीजिए, बेटर वे है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सो यदि आपने ये दोनों एग्जांपल स्पेसिफाई कर दिए तो आउटपुट के साथ में सो क्लियर हो जाएगा कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड टॉपिक की। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डेल स्टेटमेंट। सो पहले तो हम क्लियर की बात कर लेते हैं, क्लियर है क्या चीज़। क्लियर फंक्शन क्या करता है, आपके पास में एक लिस्ट है सपोज एल, इसके पास में कंटेंट है काफ़ी सारे। ओके, जैसे ही आपने क्लियर फंक्शन को अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को क्या कर देता है? एम्प्टी कर देता है। दैट मीन्स इट विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, राइट? एंड आपने क्लियर करने के बाद में यदि प्रिंट करवाया एल को तो क्या डिस्प्ले करेगा? एम्प्टी लिस्ट को डिस्प्ले करेगा, राइट? बट यदि आपने डेल यूज में लिया, डेल स्टेटमेंट क्या करता है, डेल के साथ में आपने एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया, सो ये क्या करेगा, इस डेल ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा।
डिलीट करने का मतलब क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट ही रिमूव हो गया। अब यदि आप फर्दर इसको प्रिंट कराने की ट्राई करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपके पास में एल तो है ही नहीं। ओके राइट, सो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे आपने यहाँ पर आपके पास में एक लिस्ट है यहाँ पर एल, और आपने किया एल डॉट क्लियर, एल डॉट क्लियर आपने स्पेसिफाई किया, देन आफ्टर दैट आपने किया प्रिंट एल। सो क्या करेगा, क्लियर इज यूज टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सो इसने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स थे इन सभी को इसने रिमूव कर दिया। अब लिस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम डेल स्टेटमेंट की। डेल स्टेटमेंट क्या करता है, डेल और एल कर दिया आपने, एल क्या लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट एल है ये उसी को रिमूव कर देगा। और यदि एक बार ऑब्जेक्ट आपका रिमूव हो गया है, अब आगे उसको फर्दर आप यूज़ में नहीं ले सकते। और यदि आपने यहाँ पर देखिए डिस्प्ले कराने की ट्राई कर रहे हो तो ये क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा। देखिए प्रिंट एल, नेम एल इज़ नॉट डिफाइंड, एल क्या है यहाँ पर डिक्लेयर्ड ही नहीं है। कैसे डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि हमने डेल स्टेटमेंट यूज में लेके हमने उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड, यदि हम क्लियर और डेल स्टेटमेंट की बात करें, दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब भी हम क्लियर यूज में लेते हैं, जैसे आपके पास में ये लिस्ट है एल और आपने किया एल डॉट क्लियर, क्या करेगा, इट विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू प्रिंट एल अगेन देन इट विल डिस्प्ले ओनली द एम्प्टी लिस्ट। राइट, और यदि मैं डेल स्टेटमेंट की बात करता हूँ, डेल एल आपने किया है तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट एल को ही डिलीट कर देगा। अब आगे जाके यदि आपने इस एल को यूज में लेने की ट्राई की तो एरर मैसेज शो कर देगा। देखिए डेल का एक यूज और भी है, डेल क्या करता है, यदि आपको पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग रिमूव करना है, पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग का आई थिंक समझ गए होंगे, पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं, यदि आपको पोर्शन ऑफ द लिस्ट डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर स्लाइसिंग यूज में ले सकते हो, 2:4। इसका मतलब क्या हो गया, इट विल रिमूव ओनली एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इंडेक्स वैल्यू 2 and 3, सेकेंड और थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे केवल उसी को रिमूव करेगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था। ओके, आई थिंक ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेल और क्लियर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है और अपेंड एंड एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। राइट, बाकी अभी लिस्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, कुछ फंक्शंस बचे हुए हैं हमारे, उनकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।